हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का सेमेस्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सेमेस्टर 2 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो देखते हैं कि आप लोगों का इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है टोटल जो है 12 चैप्टर दिए। 12 चैप्टर में 6 चैप्टर तो आप लोगों के 6 चैप्टर तो आ चुका है सेमेस्टर 1 में। तो यहाँ से देखो, ये 7 चैप्टर से लेके जो है आप लोगों को 7 चैप्टर से ये 12 चैप्टर तक पूरा जो है पढ़ना है। तो अभी इसमें देखते हैं कि ये मतलब 12 जो है इतने सारे चैप्टर जो है ये 7 से लेकर जो आप लोगों का 12 चैप्टर है, तो इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो 7 चैप्टर पे आ गए हम। तो यहाँ पर देखो, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन GMT एंड IST, तो ये आप लोगों को 100% करके जाना है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर, जैसे आप जो है इसके बाद आप जो यहाँ पर थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करके आज अब यहाँ पर आ जाइए एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें ए वाला बी वाला करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में इसमें आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये करना है। और ये गिव ज्योग्राफिकल रीजन, इसमें आप लोग जो है सेकेंड वाला कर लेना। फिर ये आंसरिंग ब्रीफ में पहला वाला इम्पोर्टेंट है, दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है और ये चौथा वाला इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाइए, अब देखते हैं 8वां चैप्टर। तो 8 चैप्टर में देखो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने टाइप्स है। तो इसमें देखो पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स इकोनॉमी, ये तीनों का जो इसके दो दो पॉइंट याद कर लेना, साथ में एग्जाम्पल भी आपको जो है याद रहना चाहिए। फंक्शन क्या है इकोनॉमी के, इकोनॉमी ये बहुत अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखो ये जो इसके 1, 2, 3, 4, 5 फंक्शन है, ये 5 फंक्शन पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। फिर ये एक्सप्लेन एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन, तो इसमें से आप लोगों को मैं तो बोलता हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड करना है। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला करना है, दूसरा करना है और चौथा करना है। अगर टाइम मिला तो सभी कर लेना, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है नहीं। ट्रेड में, ट्रेड चैप्टर में देखो, अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ ट्रेड, ये बहुत अक्सर जो पूछा जाता है, तो ये कर लेना। ये देखो पूरा टाइप्स ऑफ ट्रेड में देखो यहाँ पर है ना, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर यहाँ पर देखो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, होलसेल, रिटेल। फिर यहाँ पर देखो फिर डोमेस्टिक ट्रेड, ये ट्रेड करने के बाद फिर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कर लेना। फिर इसके एग्जाम जो है फुल फॉर्म एक बार देख लेना, क्या क्या है सब फुल फॉर्म है, सब ये सब जो है सब फुल फॉर्म एक बार ये सब देख लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 करना ही है आपको, ये 500 क्वेश्चन करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में करना ही है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पहला वाला करना है और ये जो है सी वाला करना है। फिर आइडेंटिफाई वाले में तो आप लोगों को ये चारों करना ही है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, आप लोगों को पहला वाला करना है, ए वाला और ई वाला और एफ वाला आपको याद करना है। फिर इसके बाद 10 चैप्टर है, इसमें देख लो 10 चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं कि 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 10 चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक में टिक मारते जाओ, वीडियो को पोस्ट करके टिक करते जाओ। तो इसमें देखो ये जो है पाँचों क्वेश्चन ए से लेकर ई तक इंपॉर्टेंट है, मेज द करेक्ट पेयर कर लेना। फिर यहाँ पर जो है पहला वाला टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन से फिर ट्रेड करना है। फिर यहाँ पर माइग्रेशन एंड स्लम इसका करना है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर ये कंप्लीट टेबल भी कर लेना। फिर इसमें जो डी वाला पॉपुलेशन अ प्रॉब्लम, स्वच्छ भारत अभियान, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको करना है। फिर इसके बाद जो आ जाएगी 11वें चैप्टर में, ये जो है फैक्टर टू बी कंसिडर इन ट्रांसपोर्टेशन, ये करना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद जब आ जाइए एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है डिफरेंसेस बिटवीन में रोडवे एंड जो है रेलवे, ये अक्सर आता है। फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दो कर लेना। फिर आंसर इन डिटेल में सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला, एंड नेम डेम में जो है फर्स्ट वाला करना है, सेकेंड वाला करना है और ये थर्ड वाला और ये फोर्थ भी कर लेना। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। फिर इसके लास्ट चैप्टर में आ जाइए 12th वाले चैप्टर में, 12th वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपको प्रश्न जो है कौन कौन सा करना है। तो ये करना है, फिर ये करना है, क्वेश्चन नंबर जो है 2 करना है। फिर इसके बाद जो है 3 वाले में पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, पाँचवा करना है और ये 7वां करना है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को ये जो है 6 से ले 100 तक जो है आप लोगों को ये 7 चैप्टर से लेके, आप लोगों को 7 चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना कि आपके स्कूल में कितने चैप्टर से आ रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, शेयर करो अपने दोस्तों को, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड।